लोग माँ दुर्गा और उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। नवदुर्गा का हर दिन देवी के एक विशेष अवतार के लिए मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों में 9 अलग अलग देवियों को विभिन्न रंगों के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। वहीं नवरात्रि पूजा के दौरान स्वयं भी इन अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने को बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन अलग अलग 9 रंगों के कपड़े पहनकर पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। इस दिन का रंग नारंगी होता है। यह रंग खुशी, ऊर्जा और गर्मजोशी का रंग है। माँ शैलपुत्री की आराधना के दौरान नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद प्रतीक है पवित्रता का। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्र घंटा का है। माँ के इस रूप को लाल रंग पसंद है। लाल रंग भव्यता और वीरता का मानक है। यह दिन भक्तों में साहस और वीरता लाता है। चौथा दिन कूष्मांडा का है। गहरा नीला रंग धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह रंग आपको आत्मविश्वासी और परिष्कृत दिखाता है। पांचवा दिन स्कंदमाता का है। गृह भावनाओं में संतुलन लाता है, जो व्यक्ति की समझ को परिष्कृत करता है। कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा अवतार है। देवी का यह स्वरूप करुणामय है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए पीला पहने। पीला रंग खुशी और उत्साह का रंग है। सातवा दिन माँ कालरात्रि का है। माँ को हरा रंग पसंद है, जो नई शुरुआत, प्रकृति और विकास का प्रतीक है। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आठवा दिन महागौरी को समर्पित है। माँ को बैंगनी रंग पसंद है, जो समृद्धि और शालीनता का प्रतीक है। नौवा दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने का होता है। नीले और हरे रंग का मिश्रण मोरपंखी हरा बनाता है, जो विशिष्टता और व्यक्तित्व का प्रतीक है। माता रानी से विनती है कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो।